आज हम बनाएंगे रिंग समोसा। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं रिंग समोसा रेसिपी। हेलो, वेलकम टू खाना खजाना सुषमा। मैं हूँ आपके साथ सुषमा चौधरी। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं हम। समोसे बनाने के लिए ये 2 कप भर के मैंने मैदा ले ली है, ये लिया है मैंने आधा छोटा चम्मच अजवाइन, ये लिया है मैंने सॉल्ट, ये लिया है मोइन के लिए घी 4 चम्मच और ये लिया है मैंने वाटर। सबसे पहले समोसे के लिए हमें डो लगाकर तैयार करना होगा, कर लेते हैं। ये एक बाउल ले लिया है हमने डो बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसमें मैदा डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच सॉल्ट, डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, इस तरीके से। अब डालेंगे हम ये घी, ये 4 चम्मच घी लिया है हमने मोइन के लिए, डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं हाथों से। मोइन को हमने हाथों से मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये देखिए आप, इस तरीके से हमारी मुट्ठी बननी चाहिए अगर हम मुट्ठी बांध के देखें तो। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए आप, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका एक सख्त डो लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हम अपनी समोसे में भरने के लिए स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। समोसे की स्टफिंग तैयार करने के लिए ये मैंने 2 बॉइल्ड पोटैटो ले लिए हैं, ये लिया है मैंने धनिया पत्ती जिसे मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है, ये लिया है मैंने देसी घी, ये लिया है मैंने कैसू नट, ये ली है मैंने किशमिश, 2 से 3 ग्रीन चिली ले ली है मैंने जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये एक टुकड़ा मैंने पनीर का ले लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है, और एक टुकड़ा लिया है मैंने जिंजर का, इसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल, और ये ली है मैंने करी लीव्स। मसालों में लिया है मैंने रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने भुना और क्रश करा हुआ जीरा, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट ले सकते हैं। चलिए समोसे में भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, ये मैंने एक पैन ले लिया है, गैस ऑन कर ली है मैंने। पैन में सबसे पहले हम 1/2 स्पून घी ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें किशमिश और कैसू नट को भून कर लेना है, तो भून लेते हैं। तो ये देखिए आप, कैसू नट और किशमिश हमारे भून गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं एक बाउल में। कैसू नट और किशमिश को हमने भून लिया है, बाउल में निकाल कर ले लिया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे इसी घी में, और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे घी के साथ। तो ये देखिए आप, पनीर हमारा भून गया है जिसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब हम डालेंगे ऑयल, डाल देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने लिया है ये कैचिंग, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें वरना आप इसे हटा सकते हैं। 1 पिंच लिया है मैंने हींग, डाल देते हैं। अब डालेंगे हम ग्रीन चिली, अब डालेंगे ग्रेट करा हुआ जिंजर, अब डालेंगे करी लीव्स, तोड़कर डाल देते हैं। तो ये देखिए आप, करी लीव्स भी हमने तोड़ लिए हैं, डाल देते हैं और अच्छे से इन्हें भून लेते हैं। करी लीव, जिंजर हमारे भून चुके हैं। अब ऐड करेंगे इसमें ये क्रश करा हुआ और भुना हुआ जीरा, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब ऐड करेंगे हम इसमें ये बॉयल और मैश करे हुए पोटैटो।
अब हमें ऐड करने हैं मसाले, कर देते हैं। धनिया पाउडर डाल देते हैं, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, रेड चिली, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमें आलूओं को मसाले के साथ भून कर लेना है, तो भून लेते हैं। आलू को हमने मसाले के साथ भून लिया है, आलू हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये फ्राई किया हुआ पनीर। कैसू नट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है, और अब ऐड करेंगे किशमिश। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और अब ऐड करेंगे धनिया पत्ती। बढ़िया स्टफिंग बनकर रेडी है। स्टफिंग को बाउल में करके ले लेते हैं, समोसा तैयार करते हैं। डो को चेक कर लेते हैं, डो भी हमारा सेट होकर रेडी है, समोसा तैयार कर लेते हैं। डो को पहले हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। डो को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। डो को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे हाथों से, इस तरीके से दबाते हुए, जैसा कि आज हम बनाएंगे रिंग समोसा। तो इसकी हमें चौकोर सीट बेलकर तैयार करनी है। तो ये देखिए आप, चौकोर सीट बेलकर तैयार है। तो ये देखिए आप, चौकोर सीट बेलकर हमने तैयार कर ली है। अब इस पर हमें स्टफिंग लगा कर लेनी है। स्टफिंग लगा लेते हैं। तो ये देखिए आप, स्टफिंग हमने लगा ली है। अब हमें साइडों में से एक एक स्टिक कट कर लेनी है, इस तरीके से। ये दोनों तरफ से हमने एक एक स्टिप कट करके ले ली है। अब इसे करना है हमें फोल्ड। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरफ से, इस तरीके से। ये हमने एक फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसमें कट लगाने हैं इस जगह पे, इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से कट लगा लिए हैं। अब इसे हमें दोबारा से फोल्ड करना है, इस तरीके से घुमाते हुए, इस तरीके से। अब हमें हाथों से इस तरीके से इसे हल्का सा दबा देना है। तो ये देखिए, हमने इसे एक हाथ से अच्छे तरीके से दबा दिया है। अब ये मैंने एक स्पून मैदा को 2 स्पून वाटर डालकर घोल लिया है। अब इस तरीके से हम इसे मिलाते हुए यहां लगाएंगे हम ये मैदा। दोनों साइडों में हमने मैदा लगा लिया है। इसे इस तरीके से मिलाते हुए इसके ऊपर ये जो हमने स्टिप काट के रखी थी, ये चिपका देनी है। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से चिपका दिया है। तो ये देखिए, हमारा रिंग समोसा बनकर एकदम रेडी है। इसी तरीके से हम सारे रिंग समोसे तैयार करके ले लेते हैं। यार, इसी तरीके से हमने ये अपने रिंग समोसे रेडी कर लिए। अब इन्हें करना है हमें फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल रख दिया है, ये गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें रिंग समोसा डालेंगे और फ्राई करेंगे, सावधानी से छोड़ेंगे। ये देखिए आप, रिंग समोसा हमने ऑयल में छोड़ दिया है फ्राई होने के लिए। धीमी आंच पर हम इन्हें सिकने देंगे। रिंग समोसे को हमें सुनहरा होने तक सेकना है। सेक लेते हैं। तो समोसे को हम दूसरी तरफ से पलट देते हैं। तो ये देखिए आप, समोसों को हमने पलट दिया है। अच्छा ब्राउन कलर आने तक हम समोसों को सेक कर ले लेंगे, सेक लेते हैं। तो ये लीजिए, समोसे को हमने पलट पलट करके सेक लिया है।
रेडी है हमारा रिंग समोसा बनके। ये देखिए आप, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट रिंग समोसा बनकर रेडी है। ट्रे में निकाल लेते हैं और सर्व करने के लिए ट्रे में लगा कर ले लेते हैं। तो ये देखिए, सभी समोसों को हमने ट्रे में निकाल लिया है, अब सर्व करने के लिए लगा लेते हैं। तो ये लीजिए आप, गर्मा गर्म बहुत ही ज्यादा चटपटे और मसालेदार रिंग समोसा बनकर रेडी है आपके लिए सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रिंग समोसे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। शेयर कीजिएगा और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।